फारस रऊफ ने T20 में 100 विकेट मुकम्मल की, इससे पहले किसके पास ये रिकॉर्ड है? और साथ ही इन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, वो इंटरव्यू इतना वायरल हो रहा है कि समझ नहीं आ रही फारस रऊफ ने बात ऐसी क्यों की है। वो क्या बात है जो फारस रऊफ ने इंटरव्यू के दौरान की है, वो इस वीडियो में आपको बताएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर फारस रऊफ ने 71 मैच में ये कारनामा सर अंजाम दिया है, जिन्होंने T20 फॉर्मेट में 100 विकेट हासिल किए हैं और तीसरे आलमी बॉलर बन गए हैं। जबकि चौथे नंबर पर आयरलैंड के मार्क आर्डर हैं, जिन्होंने 72 मैचों में 100 विकेट हासिल किए हैं। और खासतौर पर जब बात करें T20 में तेज तरीन 100 विकेटों की, तो अफगानिस्तान के बॉलर राशिद खान पहले नंबर पर हैं, जिन्होंने सिर्फ 54 मैचेस में 54 मैचों में 100 विकेट हासिल किए हैं। दूसरे नंबर पर श्रीलंका के असरंगा हैं, जिन्होंने 63 मैचों में यह एजाज अपने नाम किया है। और इसके साथ ही जो बात करें तो फारस रऊफ ने जो मीडिया इस पर तनकीद करी है, खासतौर पर जियो न्यूज पर भी इसकी तनकीद हो रही थी, उन्होंने कहा कि हमने अच्छी क्रिकेट खेली है इंडिया के खिलाफ और कनाडा के खिलाफ ही, लेकिन दो मैच जीत ना सके। और कहा है कि अगर हम मैच अगला जीतेंगे, हमारा सिर्फ टारगेट है मैच जीतना, आगे जाएं और ना जाएं ये हमें नहीं मालूम है कि अगर हम सुपर 8 में जाएंगे या नहीं, सिर्फ हम मैच जीतने की कोशिश करेंगे। और खासतौर पर जब जियो पर ये बात कर रहे थे सिकंदर वक्त, उन्होंने कहा ये बहुत ही बुरी बात की, इन्होंने सब आवाम की इनसे उम्मीदें हैं और ये ऐसे इंटरव्यू दे रहे हैं कि हमें कोई परवाह नहीं, हम सुपर 8 में जाए ना जाए, और इस तरह की जो बातें इनको शोभा नहीं देती।